हाय फ्रेंड, आप सबका फूडी चैनल में स्वागत है। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक रेसिपी प्रिपेयर है। यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपके साथ आज एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी एक तरीके से पिज़्ज़ा रेसिपी है, पर इसका बेस जो है वो डिफरेंट यूज़ कर रही हूँ। नए तरीके से आप पिज़्ज़ा कैसे बनाएंगे और उसे कितना हेल्दी तरीके से यूज़ करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसका जो बेस है वो आज हम रिप्लेस करने वाले हैं दूसरे इन्ग्रीडियंट्स के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी के इन्ग्रीडियंट्स क्या रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं आज के रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही वो है डोसे के बैटर से आप पिज़्ज़ा कैसे बनाएं, उसके लिए मैं आज रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, मेरे पास ये जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट ये रहेगा, यानी कि जो पिज़्ज़ा के लिए बेस होता है वो हम यूज़ करने वाले हैं डोसे के बैटर से। यानी कि जो डोसे का बैटर होता है उससे जो पिज़्ज़ा का बेस है रिप्लेस किया गया है। इसी से हम हमारे आज के पिज़्ज़ा का बेस बनाएंगे। तो इसको मैंने बिल्कुल नॉर्मल जो डोसे का बैटर होता है रेगुलर वाला, बिल्कुल उसी तरीके से इसको रेडी करके ले लिया है और इसी में टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी ऐड किया हुआ है। वहीं आप देख रहे होंगे मेरे पास बारीक कटा हुआ कांदा है और यहाँ पे बारीक कटा हुआ टमाटर है, शिमला मिर्च है जिसे मैंने बारीक फाइनली चॉप करके लिया है, वहीं मेरे पास एक स्लाइस चीज़ का है और यहाँ मेरे पास पिज़्ज़ा का मसाला है और वहीं मेरे पास एक चटनी है। ये चटनी मैं नॉर्मली हमेशा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की है। ये कोकोनट की चटनी है जिसमें मैंने धनिया मिर्च जो स्पाइस है वो मैंने इसी में ऐड किया हुआ है। इसमें भी टेस्ट के लिए सॉल्ट ऐड किया हुआ है, इसमें भी नमक है क्योंकि चटनी में आप अलग से भी खा सके इसीलिए नमक ऐड करते हैं, तो इसमें भी नमक है। तो अभी मैंने साइड में पैन गर्म करने रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना पैन गरम करने रखा है। आप पैन को पहले ही अच्छे से गरम कर लीजिए ताकि जब आप हमारे आज के पिज़्ज़ा का बेस बनाएं, यानी कि जो डोसे का बैटर है वो डालें, तो वो धीमी आंच पर डालें और ओवर कुक जल्दी ना हो जाए, उसका आपको ध्यान रखना है। तो इसे अच्छे से गरम कर लेंगे, फिर कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा ऑयल लिया है इसको ग्रीस करने के लिए और अपना छोटे छोटे चम्मच से इसमें बिल्कुल इस तरीके से अपने इस बैटर को डाल लूँगी। मेरा जो आँच है वो धीमी रखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो तवा है आप उसे अच्छे से गर्म कर लीजिएगा जिस पे भी आप अपना ये रेसिपी बना रहे हैं। एक बार में आप जितना ऐड कर सकते हो उतना कीजिएगा। मैं छोटा बना रही हूँ, आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इसमें सारे इन्ग्रीडियंट्स ऐड कर लेने हैं। आप चाहें तो इसमें और वेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये चटनी है, अब मैं इस पर थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चीज़ को क्यूब्स में कट कर लिए हैं। अब मैं एक एक स्लाइस यहाँ पे चीज़ का यहाँ ऐड कर रही हूँ। अगर आप बड़ा पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आप एक बार में एक चीज़ का पूरा स्लाइस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं छोटा बना रही हूँ तो मैंने उसे कट करके बिल्कुल इस तरीके से क्यूब में यूज़ कर रही हूँ। आपको इस तरीके से फिर से कवर कर देना है अपने इस डोसे के बैटर से। थोड़ा सा ऑयल फिर ऐड कर देंगे ताकि जो ये कुक है कुकिंग होते समय ये जले ना, आराम से कुक हो। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम हाई कर लिया है, आप देख सकते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा जो बैटर है वो ऊपर से डाला हुआ था। देखिए प्रॉपर कलर आया है, ज़्यादा उसका कलर चेंज नहीं हुआ, डिस्टर्ब नहीं हुआ है।
इसीलिए आपको मैंने कहा था कि पहले ही गरम कर लीजिएगा पैन को, फिर बाद में लो फ्लेम पे आप सारा प्रोसेस करेंगे इसका। अब आपको फ्लेम हाई रखनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फ्लिप करके चेक किया है कि रेडी हुआ कि नहीं। ये रेडी हो चुका है, इसका मतलब बाकी सब भी रेडी हो गए होंगे। एक एक करके आपको फ्लिप करना है। आप देखिए चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था पिज़्ज़ा हब का, तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा हब का यूज़ ऊपर से गार्निशिंग के लिए किया हुआ है। ये वही चटनी है जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, उसी के साथ मैंने इसकी प्लेटिंग की है। क्योंकि ये चटनी ऑलरेडी मैं प्रिपेयर कर चुकी हूँ, उसका तड़का भी लग गया है, इसलिए आप उसको डिपिंग के तौर पर खा सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कुछ और भी उसके साथ खा सकते हैं। ये एकदम अच्छा स्नैक्स मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्नैक्स हो सकता है। आप इसमें कोई भी वेजीज ऐड करके उन्हें खिला सकते हैं। एक हेल्दी पौष्टिक स्नैक्स है और आप इसे कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इजीली बन भी जाता है। आपको जो भी टाइम लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ नीचे का जो बेस है यानी कि डोसे का बैटर है उसे ही प्रिपेयर करने में लगेगा, और ज़्यादा किसी में टाइम नहीं लगेगा। आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है काफ़ी यूनिक तरीके से शेयर की है, ताकि आप उसको ईजीली प्रिपेयर कर सके, और ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स का यूज़ नहीं किया है। ज़्यादा हैवी भी नहीं है कि ज़्यादा मसाला है, ऐसा वैसा टाइप का कुछ भी नहीं है, एकदम लाइट है। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू हमारा आज का वीडियो देखने के लिए।